गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम फिर से जा रहे हैं कि मैं आर्टिसन है वहाँ मिले, लोकल एरिया है वहाँ, विलेज है। सो हम जाके वहाँ पर घूम भी लेंगे और देखते हैं कि मतलब कैसा है। और विलेज यहाँ पूरी तरह हर एक घर के बाजू में कोई तालाब मिल जाए जिससे मच्छी मंत्री मतलब फार्मिंग करते हैं यहाँ पर, वो बेचते भी हैं और साथ में अब खुद खाने के लिए भी रहता है। और हर घर पे फिश और डक तो मिल ही जाएगा। क्या समीर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी हम लोग एक आर्टिसन से मिलने जा रहे हैं। ओके, तो उसका कैसे किया जाता है? ओके, तो यहाँ पे हर घर के बाजू में एक तालाब मिल जाएगा ना? तालाब तो मिलेगा। और उसमें फिश फार्मिंग करते हैं और खाते भी है निकल, दोनों ही होता है। और वहाँ पर और कुछ नहीं, डक तो जरूर मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, तो देखते हैं रास्ता कैसा है, गांव कैसा है, घूमते हैं आए। तो हम आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। सो गाड़ी हमारी निकल चुकी है, हम लोग अपने काम पे निकल रहे हैं। तो साथ में हमारा काम भी हो जाएगा घूम के, वजह से एक आर्टिसन घर जाना है। आर्टिसन घर जाके हम फिर एक रिवर है उसके पास जाएंगे। और एक यहाँ पे लोकल राजबरी करके भी है ना, तो एक लोकल राजबरी है। तो मैं और सबीर भाई जाएंगे। तो सबीर भाई अभी जो गाड़ी चला रहे हैं, चलिए सबीर किधर आपके घर जाना है ना? तो अभी हम लोग जा रहे हैं सबीर भाई के घर जा रहे हैं। यहाँ से दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है सबीर भाई घर आपका, 10 मिनट का रास्ता है। जो आप कल सा बंगला तक लोग गए थे जो रात में आपका नाइट में विश्व बंगला ना, हाँ जो कल विश्व बंगला गए थे उसके पहले ही एक रोड है जो घर की तरफ जाती है, सो पास में ही है। चलिए चलिए घर जाते हैं, उसके बाद आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। आप पहुँचने वाले हैं ना? तो अभी हमने रात में कल दिखाया था सबीर भाई का घर, अभी हम आपको दिन में दिखाते हैं सबीर भाई का घर जहाँ पे गए थे। और एक्चुअली हमने छोटे छोटे प्लांट बहुत अच्छे से लगा के रखे हैं, नींबू के जा रहे हैं, अमरूद के जा रहे हैं, मेहू जा रहे हैं घर के बाहर, जो बहुत ही अच्छा दिखता है। सभी हम घर पे पहुँचने वाले ही, घर पर पहुँच चुके हैं 2 मिनट की दूरी पे। सो देखिए ये रोड जो है अंदर जा रही है, सबीर भाई का रोड ऐसा ये अंदर है। जो सामने वाला भी गेट दिख रहा है सबीर भाई का घर है। तो भाई सबीर भाई के घर से हम लोग निकल गए, अभी जा रहे हैं आर्टिसन के घर पे। सो यहाँ तक क्यों पहुँचते हुए 20 से 25 मिनट हो जाए लग जाएगा। आपको यहाँ का बोलपुर का रोड दिखाते हैं, आप देख रहा है रोड या विलेज है, चारों तरफ जहाँ तक दूर जाएगी आपको धान की खेती हुआ है वहाँ तक, जहाँ तक नजर जाए दौड़ाएंगे आप पूरी धान की खेती, जो फसल पक के रेडी है ना, हम कटने कट चुका है उसमें से निकालेंगे। 80% खेती जो है कट के हो गया, रेडी हो गया इन लोगों का, 10 से 15% जो है। और यहाँ पे हर घर में मुर्गी फार्म मिल जाएगा आपको, पालते हैं यहाँ पे देसी मुर्गी। आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा देसी मुर्गी जो आपको शहरों में मिलेगा नहीं, हम तो फार्मिंग वाला खाते हैं शहरों में, लेकिन यहाँ पे देसी नेचुरल मिल जाएगी आपको, उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। आपको फिश फार्मिंग मिल जाएगी, जो हमारे घर के बाजू में आपको एक छोटा तालाब होता है खुद का, उन लोगों का तालाब बड़ा बड़ा होता है, 10 से 15 फीट जो गहरा होता है, उसके अंदर जो है फार्मिंग होती है और जो है उसमें पालते हैं फिश और बेचते हैं और खुद भी खाने। और आपको यहाँ पर बहुत सारा डक भी मिल जाएगा, जो डक यहाँ पे लोकल जो है पालते हैं घर में, हमारे घर में बस जब 5-6-7-10 या मिल ही जाएगा डक। तो फ्रीलांसर का जॉब भी इनका भाई करते हैं दिल्ली में, इसलिए इनकी मम्मी जो है बिजनेस संभालती है। चलो घर बैठने से अच्छा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, ठीक है। चलो फ्रीलांसर भी अपना खुद का है, जितना काम करोगे उतना अच्छा है भाई, उसमें तो मेहनत करना पड़ता है, ऐसी बात है। सो अभी विलेज देख सकते हैं यहाँ का, यहाँ तालाब देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ ये बड़ा तालाब है ये सर। ये भी तालाब है, सूखा हुआ है तालाब, सूख गया है अभी।
व्यू देखिए भाई, कितना मस्त व्यू है, जहाँ दूर दूर तक नजर जाएगी आपको, हरियाली हरियाली नजर आएगी। ये गांव की बात ही कुछ और है, इतना फ्रेश एयर आपको शहर में नहीं मिलेगा, पूरा नीट एंड क्लीन जो है एयर आ रहा है, देख सकते हैं बर्ड जो है। भाई हवा जो आ रही है ना, मजा ही कुछ और है, शहरों में यही ना धूल मिट्टी से हम लोग परेशान हो जाते हैं, नाक में रुमाल बांधो, मास्क लगाओ। अभी तो देखो जो दिन में है धूप निकला हुआ है, रात में ठंडी लगती है, फिर भी ठंडी तो स्टार्ट हो गई है, उतनी भी ठंडी नहीं है लेकिन फिर भी एक हल्का सा ब्लैंकेट तो चाहिए आपको सोने के टाइम पे, लेकिन ठंडी है यहाँ पे। अब गला वज बैठ गया है ठंडी के मारे, आप देखिए ये सीप सीप जो है। तो भाई जो बता रहे बिल्डिंग जो दिख रही है वो ट्रस्ट का है, तो यहाँ पे भाई जो बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं सकते वहाँ पे ये पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। ये पूरा एरिया जो है ट्रस्ट का है, ये देख सकते हैं ये भी ट्रस्ट का दिख रहा है, जो दूर दूर से दिख रहा है बड़ा बिल्डिंग है जो ट्रस्ट, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अच्छा तो ये स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो भाई वो जो है स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर पढ़ाती है जो गरीब बच्चों को, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जो भाई गरीब हैं तो उनको चलाते हैं पढ़ाती है। सब देखिए डक यहाँ पर, तो स्टेट गवर्नमेंट फैमिली उनको पढ़ाती है यहाँ से। भाई बहुत अच्छा काम है भाई, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग को एजुकेशन नहीं मिलता है भाई। सो आप देखोगे पूरा यहाँ गेट है, वो मैं जाने का अंदर रास्ता, सामने गेट है गया ना गेट, हम लोग पहुँचने वाले ये 3 किलोमीटर बच गया ना, 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर बच गया है पार्टी से हम पहुँचने वाले हैं। सो हम लोग गाँव दिखाते हैं आप, गाँव का नज़ारा भी, गाँव का नज़ारा आप देख सकते हैं, इंजॉय करिए गाँव का व्यू आप। पहुँच गए क्या? तो पहुँचने वाले ही कुछ 500 या 800 मीटर्स की दूरी, 800 मीटर, ठीक ठीक कोई बात नहीं। तो चलिए घर पे देखते हैं, मिलते हैं उनसे, बातें करते हैं और देखते हैं क्या प्रोडक्ट है उनके पास। हम तो गांव का नज़ारा दिखाते हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, अब देखिए कितना बड़ा पेड़ है, आपको पेड़ दिखाते हैं, उसके बाद कितना ब्यूटीफुल है, तालाब है यहाँ पे मस्त, यहाँ पे चलिए हम निकलते। क्या कहाँ घर है उनका? आस पास ही घर है, ये घर है क्या नीला वाला आगे? सो आगे हम घर, तो जा रहे हैं घर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक व्यू मिल गया तो उन्होंने कैप्चर करना चालू कर दिए। सो अभी देखिए इधर जा रहा, हम देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से। जी जी बाहर जाने की घर से सब कुछ बन जा रहा है, कितना बारीकी से काम हुआ है, काम भी बहुत है, कम से कम एक मिनट से ऊपर जाता हुआ बनाने में इसको ना। सो आप देख सकते हैं कितना काम है इसके ऊपर। तो दीदी आप खुद बुनाई करती हैं कि किसी और से करती हैं? आप बुनाई करती हैं? अच्छा इसलिए तो मेरा हैंड इशू। अरे बाप रे बाप, हाँ हाँ अभी देख सकते हैं, हाँ हाँ स्टिच नीडल, हाँ नहीं नहीं काम तो बहुत है दीदी, काम से ऐसे धागा है ना, जो सूत में जो रंग लगाना ना तो कपड़ा रंग दूसरा लग गया है, दूसरा लग रहा है कोई बात नहीं। हाँ। इसको जो काम देखा ना ती है। हाँ। ओके तो मतलब आपको जो आपने प्राइस दिया वो आपको दे देती है, बाकी जो जितना बेचे हो जितना बेचे है, लेकिन हाँ। एक बात सिंपल से बताओ, इसका दाम मेरा तरफ से कोई एक लड़की लेता है 6,000 जी, ठीक है, लेकिन वो मार्केट में बेचता है कि 8,000 9,000, लेकिन मुझे भी पता है 6,000 मेरा तो
है, पांच आप ये सोचते जाएं तो मेरा बिक जा रहा है वो एरिया हाँ, है। लेकिन ये सब डायरेक्ट कोई को पार्टी आती है तो मेरे को तो, जाहिर सी बात है। हाँ ठीक है दीदी, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक हाँ है, और हम लोग अभी ऑफिस खो रहे तो फोटो शूट के लिए आप मुझे दे सकते हो ना? हाँ तो ये है अभी अभी बोल पे हाँ तुम ऑफिस। आ रहे हाँ हो तुम तो हाँ भाई तो हाँ तो अभी प्रोडक्ट ले जाएंगे, फोटो शूट होगा ऑफिस खुलेगा तो वहाँ पे, तो फोटो शूट रिटर्न कर देंगे और उसके बाद मार्केटिंग करेंगे तो उस पर ऑर्डर भी अच्छे आएंगे उसके ऊपर, क्योंकि ऐसे फोटो निकालेंगे ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा नहीं और दिखेगा। इतना काम हुआ है, इतना सब कुछ है, उसके बाद फोटो अच्छा नहीं है, वीडियो अच्छा नहीं है, तो कोई भी नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो अभी ये है कि अपने को उसके ऊपर काम करना है, इसीलिए मैं आया, मतलब घूमा फिरा देखा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, कि क्यों नहीं ऑर्डर्स आ रहे हैं यहाँ के। तो यही सब रीज़न ये निकला कि क्वालिटी नहीं है तो किसी के सारे पास। छोटे छोटे क्वालिटी बनाते हैं लेकिन जी ऑर्डर नहीं आता क्वालिटी है है, पिक्चर की, मतलब ऑर्डर पिक्चर और वीडियो नहीं क्वालिटी नहीं दे रहे, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है एक्चुअल चीज़। ठीक है दीदी। है। ওদের বাড়িতে একটু অসুবিধা হবে না, যে বাড়ি থেকে প্রবলেম হবে না, যে বাড়ির বাইরে যেতে হচ্ছে না। জি জি, বাহার যাওয়ার জন্য ঘর পেয়ে সব হ্যাঁ, কুছ বন যা অনেক রা হ্যায়। অনেক বাড়ির বউর আছে কি যে বাড়ির বাইরে যেতে পারে না, ওদেরকে বাড়ির ভিতরেই থাকতে হয়। তো বাড়ির ভিতরে বসে বসে এই কাজগুলো করলে ওদের কাছেও কিছু টাকা আসলো। গ্রাম বাংলায় সিন হ্যায় যে জি গ্রাম মে হ্যায় না, যে আসপাস মে যে দেখ রহা হ্যায় না, জি নজর সে ওই আঁকা হ্যায়, ওই ডিজাইন কর রহা হ্যায়। জি জি, ये साफ दिख रहा है अभी तो कितना बारीकी से काम हुआ है। अभी हाँ काम भी बहुत है, कम से कम एक एक मिनट से ऊपर जाता हुआ बनाने में इसको ना। अच्छा सो आप देख सकते हैं कितना काम है इसके ऊपर। तो दीदी आप खुद बुनाई करती हैं कि किसी और से करती हैं? आप बुनाई मैं करती करती हैं? है, मैं करती अच्छा, इसलिए तो मेरा हैंड अरे बाप इसलिए रे है बाप। हाँ ऐसे हाँ अभी देखते हैं। देखते हाँ हैं हाँ ये सुस स्टिच सुस करके स्टिच नीडल। करके। हाँ हाँ नहीं, काम तो बहुत है दीदी। इधर एक काम, सिर्फ काम से ऐसे धागा है ना, जो जी। काम सूतों में जो रंग लगाना है ना, तो कपड़ा रंग बंद है, दूसरा लग गया है इसको, दूसरा लग रहा है। कोई इसे मतलब। इस हाँ इसको जो काम देखा ना ये मैं, ती है। ओके, तो मतलब आपको जो आपने प्राइस दिया हो वो आपको दे देती है, बाकी जो जितना बेचे हो। जितना बेचे है। लेकिन हाँ एक एक बात सिंपल से बताओ, इसका दाम मेरे तरफ से कोई एक लड़की लेता है 6,000, जी ठीक है, लेकिन वो मार्केट में बेचता है कि 8,000 9,000, लेकिन मुझे भी पता है 6,000 मेरा तो खर्चा है, पांच आप छह ये सौ सोचते जाएं तो मेरा बिक जा रहा है वो हाँ, एरिया है। लेकिन ये सब डायरेक्ट कोई को पार्टी आती है तो मेरे को तो, जाहिर सी बात है। हाँ ठीक है दीदी, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक हाँ है, और हम लोग अभी ऑफिस खो रहे तो फोटो शूट के लिए आप मुझे दे सकते हो ना? हाँ तो ये है अभी अभी बोल पे हाँ तुम ऑफिस। आ रहे हो हाँ तुम तो भाई। तो हाँ तो अभी प्रोडक्ट ले जाएंगे, फोटो शूट होगा ऑफिस खुलेगा तो वहाँ पे, तो फोटो शूट रिटर्न कर देंगे और उसके बाद मार्केटिंग करेंगे तो उस पर ऑर्डर भी अच्छे आएंगे उसके ऊपर, क्योंकि ऐसे फोटो निकालेंगे ना तो अच्छा नहीं अच्छा दिखेगा। नहीं और दिखता इतना है। काम हुआ है, इतना सब कुछ है, उसके बाद फोटो अच्छा नहीं है, वीडियो अच्छा नहीं है, तो कोई भी नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो अभी ये है कि अपने को उसके ऊपर काम करना है, इसीलिए मैं आया, मतलब घूमा फिरा देखा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, कि क्यों नहीं ऑर्डर्स आ रहे हैं यहाँ के। तो यही सब रीज़न ये निकला कि क्वालिटी नहीं है तो किसी के सारे पास। छोटे छोटे क्वालिटी बनाते हैं जी लेकिन क्वालिटी ऑर्डर नहीं आता है, है पिक्चर की, मतलब ऑर्डर पिक्चर और दिखता वीडियो है। क्वालिटी नहीं दे रहे, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है एक्चुअल चीज़। ठीक है दीदी। अच्छा सबीर भाई, एक और मैं यहाँ पे टेम्पल है, सबीर भाई लेके जा रहे हैं टेम्पल दिखाने के लिए। कौन सा माता का टेम्पल है? वही शिव ठाकुर। ओके, महादेव का टेम्पल है शायद, क्या महादेव का टेम्पल है यार, तो नहीं आगे ही टेम्पल। सुबह हम दोनों भाई जा रहे हैं, देखिए वहाँ पहुँच के आपको टेम्पल दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए शिव शिवन का टेम्पल, यहाँ मंदिर है। सो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल, पास में यहाँ दूर नहीं था, शिव बंगला जैसा उसके पास में। कैसे वीर भाई, यहाँ दूर हार्डली से 2 मिनट या 3 मिनट की दूरी है। सो अब हम आपको पिक्चर दिखाते हैं, आप देखिए कैसा लगा पिक्चर, कितना ब्यूटीफुल है। वहाँ ने दोनों हाथें फैलाया है, किधर और एक और भी दिखे हैं, दिखाते हैं आपको। वहाँ पे भी आपको पीला जो दिख रहा है वो भी शिवन का टेम्पल है जो दिखाते हैं। लाइटिंग कितनी दूर से कितनी मस्त लग रही है, मस्त मतलब लग लाइट रहा मतलब गोल्डन कलर खिल के आ रहा है ये पूरा एरिया है। मेरा लगता है, यहाँ पर अभी मेला लगता है भी मेरा लगता तो है। भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे मेला लगता है, यहाँ पे टेम्पल बहुत मस्त प्लेस है।
अच्छा यहाँ पे भी तालाब है, तो जहाँ जाओ तालाब तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। चलो गंगा जी के किनारे पर रहते हैं, तो इनके सामने पीछे तालाब भी बना दिया महादेव के पीछे, जैसे नहाते भी लोग पब्लिक है क्या? हाँ, हाँ, तो नहा यहाँ पर खिचड़ी बनाते हैं सबको कहते हैं। अच्छा खिचड़ी, खिचड़ी हर मंडे। अच्छा तो हर मंडे यहाँ पे खिचड़ी बना के सबको खिलाते जो भी आते हैं भक्त दिन के। तो देखिए महादेव टेम्पल कितना ब्यूटीफुल है, हाँ एकदम मतलब गोल्डन कलर होता है ना उस टाइप पर खिल के पूरा, मतलब पूरा गोल्डन ही दिख रहा है ना, कलर भी गोल्डन है ना पूरा, और पीला भी लाइट भी पीला है, तो पूरा जो देख सकते हैं पूरा गोल्डन कलर है, कलर भी उन्होंने पीला मिक्स लगाया है तो और गोल्डन खिल के आ रहा है कलर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लग रहा है कि सच में रियल बैठे हैं यहाँ पे। और इसके पीछे ही तालाब है, हम तालाब आपको इसके बाद तालाब दिखाते हैं आपको। ये पूरा एरिया है टेम्पल का, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे तालाब, इनके पीछे जो तालाब लेक बनी हुई है, पानी भी भरा हुआ है, ये पूरी तालाब है ये। कितना ब्यूटीफुल, हम तो इसको मिस करने जा रहे थे होटल में, लेकिन फिर भाई ने बताया चलिए एक और प्लेस से दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, सुबह घूमने आ गए, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। चलो यार मन खुश हो गया देख के। इसका नाम क्या है भाई ये टेम्पल का? शिवतला, शिवतला। अच्छा प्लेस का नाम है शिवतला, अगर किसी को आना है तो आप बोलपुर में आ सकते हैं शिवतला घूमने, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो गुड इवनिंग गाइस, एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उनके घर से आते आते हम और भी कई प्लेस जाएंगे, लेकिन बहुत डिले हो गया, बहुत टाइम हो गया, इस कारण हम लोग और प्लेस विजिट नहीं कर पाए, लेकिन हम ट्राई करेंगे कल बीसो बंगला दिखाने के लिए, और एक रिवर है वहाँ भी जाने के लिए। फिलहाल तो दीदी जो बनाती है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बनाती है, जैसे सारी है दुपट्टा स्टॉल है उसको अपने देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है जो लोकल बेचती है, इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग खरीदते हैं, उनसे ले जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट पर आपको, क्योंकि बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है वहाँ पर जो भी स्टॉल है दुपट्टा है हैंडलूम है उस पर अपना कल्चर दिखाते हैं, विलेज का कैसे बनता है, डक लोग बैठ के ट्री के नीचे काम करते हैं, हाउस है उस पर से आपको ट्री दिखेगा, फ्लावर दिखेगा, ये लोकल जो प्रॉपर कल्चर है जो वहाँ पे दिखाते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इनके पूरा हैंडलूम वर्क है उसके ऊपर, आपको पूरी जगह पे हाथ से बुनाई दिखाई देगी। दुपट्टा है साड़ी बनाने में, साड़ी बनाने में बता रहे कि 2-3 महीने लग जाते हैं, दुपट्टा जो बनाने में 1-1 महीना लग जाता है, इतने यूनिक उसके ऊपर काम किया गया है और इतने मतलब वो काम है उसके ऊपर पूछिए मत, और दिखा भी रहे।